एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये फिजिक्स यूपीएचसी का सॉल्यूशन है और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 70 डिस्कस करेंगे। टोटल हमारी फोर्थ वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से जा सकते हैं, ठीक है। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61, पैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, पावर कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, रेजिस्टेंस कंट्रोल डिवाइस। तो फैट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। 62 क्वेश्चन, द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टीज। आज ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो उससे थ्योरी बेस्ड हैं, आपके कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन है एच न्यू एन एच न्यू, एच न्यू अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन के टी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, एच न्यू अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी, ठीक है। 63 क्वेश्चन है हमारा, फर्मी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर डिपेंड ऑन डोनर एलिमेंट इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन टेम्परेचर ऑल ऑफ द अबव। तो फर्मी लेवल एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर पे इन सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, डोनर एलिमेंट पे भी, इम्प्योरिटी पे भी और टेम्परेचर पे भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द अबव। 64 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन क्यू एंड पी, क्यू है एफ फंक्शन है क्यू पी का और पी है क्यू पी का, इसके कैनोनिकल इफ कब होगा। तो आपको पता है क्यू और पी जब वन आएगा, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज कंसीडर्ड टू मूव इन सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल। तो जो सर्किल है वो टू डायमेंशन में होता है, एक्स वाई में बना सकते हैं सपोज, तो वो एक्स और वाई प्लेन में मूव कर सकता है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू प्लेन्स टू डायरेक्शंस हो गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू। 66 क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन है ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, हरमाइट है एच टू एक्स टू पावर स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसका मान चाहिए या इसका सोल्यूशन चाहिए। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर की बात करें तो ये यूलर फंक्शन है, इसका जो वैल्यू आता है वो अंडर रूट पाई आता है। तो यहाँ पे सभी के साथ पाई है, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लग रही है पॉलीमर की, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो इफ एन और एम इज नॉट इक्वल टू एम। इफ एन इक्वल टू एम तो ये वैल्यू है अंडर रूट पाई, पाई की वैल्यू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए है, फिर टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम एन देखें इस क्वेश्चन में टू है, टू टू पावर टू और टू फैक्टोरियल, तो ये टोटल हो जाएगा फोर, फोर इंटू टू एट। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट हमें ये कंडीशन या पॉलीमर की ये कंडीशन पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। 67 क्वेश्चन, फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन डेल ओवर डेल फाई डॉट इक्वल टू जीरो, डेल ओवर डेल फाई इक्वल टू जीरो, डेल एल डॉट डेल फाई डॉट इक्वल टू जीरो, डेल एल डॉट डेल फाई इक्वल टू जीरो। तो फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा अगर वो लैग्रांजे में नहीं होगा, ठीक है, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो उसका मतलब ये है डेल ओवर डेल फाई जो है जीरो होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि डेल ओवर डेल फाई जो है जीरो होगा, वो लैग्रांजे का फंक्शन नहीं होगा। 68 क्वेश्चन, अ रिवर्सिबल कैनॉट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर टी वन एंड टी टू विद अ फोटोन गैस ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस, एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी, यहाँ पे टी टू टी वन से ज्यादा दे रखा है। नॉर्मली जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो एफिशिएंसी ईटा वन माइनस टी टू अपॉन टी वन लिखते हैं, बट उस केस में टी टू इज ग्रेटर देन टी वन इज ग्रेटर देन टी टू होता है, ठीक है। बट यहाँ पे टी टू इज ग्रेटर देन टी वन है, मतलब ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो लेस होता है, तो यहाँ पे टी वन लेस है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वन माइनस टी वन अपॉन टी टू।
In canonical ensemble, the quantity same for each system are temperature, volume and number of particles, energy, volume and number of particles, only energy, only volume and number of particles. So canonical ensemble में जो quantity same रहती है हर एक system के लिए वो है temperature, volume and number of particles. ये option correct option है. और आज का last question है, Hall coefficient RH of a substance is related with the mobility mu of a current carrying particle. इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, म्यू इक्वल टू आर एच इंटू सिग्मा. तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. और आज का वीडियो शॉर्ट भी बना है क्योंकि आज हमने कुछ सॉल्यूशन नहीं किया है क्योंकि सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. हैव अ नाइस डे.